أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرين <applause> الكرام असलम वरहुल्लि वबरकू तजवीदल क़ुरान क्लासेस के सिलसिले में आज एक और क्लास के साथ खाकसार आप खादसारजरत की ख़िदमत में हाजिर है नाज़रीन क़राम। गश्त चंद क्लासेस से हम हरूफ के मुख्तलिफ सिफात के मुतलिक मालूम हासिल कर रहे हैं इसी तसलसल को हम जारी रखते हुए आज भी कुछ और नई बातें सीखेंगे नए कवायद पढ़ेंगे नए कायदे पढ़ने से कबल गुज़त क्लास में जो हमने कवायद सीखे हैं उसके ताल्लुक़ से मुख्तरा दोहराई करेंगे उसके बाद फिर नए कवायद हम आज पढ़ेंगे एक और बात जो गुज़त सबक में रह गई थी वो ये थी के रॉ साकिन यानी जब रॉ के ऊपर जज़म आ जाए तो उस ताल्लुक़ से हम कल के सबक में नहीं पढ़े तो मुख्तसरा मैं अर्ज कर देता हूँ रॉ साकिन भी पुर अदा किया जाता है उसके लिए शर्त ये है कि रॉ साकिन से पहले जो हरफ है उस पर ज़बर या पेश हो तो रॉ साकिन पुर अदा किया जाता है मिसाल के तौर पर साकिन से कबल हर्फ़ पर ज़बर इसकी मिसाल ये है फ़रउन फ़रदन साकिन उससे पहले है हर्फ उस पर ज़बर है इसलिए साकिन को हमने पुर अदा किया फ़र उदन इसी तरह पेश की मिसाल रॉसाकिन है उससे पहले हर्फ पर पेश है इसलिए हमने रो शाकििन को रॉ शाकििन जब मैं कहता हूँ वो हर्फ रॉ जिस पर जज़म हो राकििन रा से मुराद वो रॉ जिस पर जज़म हो तो रॉ शाकििन दो हालतों में पुरा किया जाता है नंबर एक जब उससे पहले हर्फ पर ज़बर हो या उससे पहले हर्फ पर पेश हो मिसाल के तौर तो पर मैंने बता दिया ज़बर की मिसाल फ़रउन और पेश का जो पेश की जो मिसाल है तो ये कायदे के बाद आज एक नया कायदा जो हम पढ़ेंगे वो है कल कलकला पांच हरूफ़ में होता है और वो पांच हरूफ़ हैं ऑफ तो बा जीम दाल इसको याद रखने की खातिर इल्म तजवीद में क़तुबू जद्दिन एक जुमरे में लिखा गया है क़तुबू जद्दिन ये वो पाँच हरूफ़ हैं जब ये साकिन की हालत में होते हैं यानी जब इन पर जजम आ जाए तो इन में कलकला होता है अब कलकला क्या चीज़ है कलकला कहते हैं कि आवाज़ के टकरा आवाज के, के वापस आने को मिसाल के तौर पर हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं قل الفلق فلق जो क़ाफ़ की जो आवाज़ आखिर में टकरा रही है इस आवाज़ को कहते हैं कल इसी तरह उसकी दूसरी एक और आयत है आखिर में जो काफ़ की आवाज़ है इसको कहते हैं कलकला जो आवाज़ टकरा के वापस आ रही है मिसाल के तौर पर लम यलिद दाल की जो आवाज़ है वलम यूलद दाल की जो आखिरी आवाज़ है इसी तरह अब बाकी जो आवाज़ है यानी कलकला कहते हैं आवाज़ के टकरा कर वापस आने को ये मुख्तरा एक क़ायदा है जो आज के सबक के लिए है उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इन बातों को हम मद्दनज़र रखते हुए आगे की मश्क हम शुरू करेंगे नाजिल कराम अब जो हम मश्क शुरू करने जा रहे हैं इनमें तकरीबन कुरान मजीद के आयत के ही कुछ हिस्से हैं इस मश्क को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमने इन जुमलों के आखिर पर वक्फ़ अभी नहीं करना क्योंकि हम वक्फ़ के मतलक़ अभी कुछ नहीं पढ़े जब हम आगे इस कायदे में वक्फ़ के मतलक़ पढ़ेंगे तो उस वक्त हम जुमले के आखिर पर वक्फ़ करेंगे तो उससे पहले हम वक्फ़ नहीं करेंगे तो इस बात को मद्द नज़र रखते हुए मैं मश्क़ करवाऊँगा तो आप भी इसी तरह मश्क़ करें शुरू करते हैं बसमलानीम قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها बलगा मज अब लफ्ज़ मज जीम की जो आवाज़ टकरा रही है इसको कहते हैं कलकला मज इसको हम अगर पढ़ेंगे मज तो ये कलकला जो सिफ़ है वो मफकूद है यानी जो जीम की जो एक सिफ्त खसूसियत है वो सफ़त हम अदा नहीं कर पाए तो हमें इसकी सफ़त को मदनज़र रखते हुए बाकायदा यहाँ पे हम कलकले के साथ इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे मज मज नसिया तम قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون هيهات هيهات لما توعدون فيذرهم في طغيانهم يعمهون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعتذرون اليكم اذا رجع. तुम इलेम लि मत बुदु मालायस मरु वालायुब सिरु अब मैंने जो आखिरी लफ्ज़ पढ़ा है वलायुब शुरु युब बाकी जो आवाज़ आपको सुनाई दी है वो आवाज़ है कलकला की युब अगर हम इसको युब सिरु पढ़ते हैं तो ये हर्फ की जो बाफ़ है कलकला वो अदा नहीं हुआ बल्कि हमने उसको मजहूल पढ़ा मजहूल यानी जो कवायद से हटके हैं जो अरबी ज़ुबान के पढ़ने का जो तरज है उससे हटके है ये चूँकि हम अरबी ज़ुबान पढ़ रहे हैं इसलिए ज़रूरी है कि अरबी ज़ुबान के जो तलफ़ जो प्रोनाउंसन अदा किया जाता है उसको हम मलहूज़ रखें आगे पढ़ते हैं इदा यशफीनी व व इन तुब तुम इस लफ्ज़ में भी बाको मैंने कलकला के साथ अदा किया है आवाज़ टकराती हुई फिर वापस आई है इसकी وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تظلمونا فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اليوم تجزون ما كنتم تعملون، فيسألونك ماذا ينفقون، قال كم لبثت، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ولا تنيا في ذكري لا تخف ولا تحزن لكم دينكم ولي ديني وهو معكم أين ما كنتم नाजरिन कराम अब तक हम गुज़त चंद क्लासेस में कलकला पुर होने वाले हरूफ़ के मतलक पढ़कर मश्क में उन क़वायद को मद रखते हुए हमने मश्क की है अब आगे चंद ऐसे अलफाज की हम मश्क करेंगे जिन में एक ही हर्फ़ को मुख्तलिफ शक्ल में लिखा गया है यानी कोई हर्फ हम शुरू से देख रहे हैं उसकी शक्ल लिखाई में कुछ और भी लिखी जा सकती है उस ताल्लुक़ से हम अभी पढ़ेंगे आप कुरान कायदा नंबर दस के तहत आखिरी जो पाँच लाइंस हैं वो देखेंगे तो आप को नज़र आ जाएगा कि हरूफ़ जो हैं वो मुख्तलिफ शक्ल यानी जो पहले से हम देख रहे हैं अलिफ़ रॉ इसको हम दूसरी शक्ल में भी देख सकते हैं आप स्क्रीन पे भी बाकायदा देख सकते हैं कि अलिफ़ दो शक्ल की है उसी तरह रॉ भी दो तरह से जो ना लिखा गया है तो अब हम पढ़ते हैं अलिफ़ अलिफ रॉ रव कऊ सर नार कर आज की क्लास के शुरुआत में ही मैंने रा साकिन यानी वो रा जिस पर जज्म आए उसके ताल्लुक से मैंने ये बताया था कि पुर अदा होता है जब उससे कबल हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो हम अभी तीन अल्फाज पढ़े हैं रा साकिन के जिससे पहले हर्फ पर तीनों अल्फाज में ज़बर आया है इसलिए हम इसको पुर अदा किए हैं रोसाकिन को अब गौर करें कर सर उ मैंने इनको पुर अदा किया है मैंने इनको कर कर सर इस तरह से नहीं पढ़ा क्योंकि रसाक्न की सफ़त यह है कि वो पुर अदा होता है जब उससे पहले हर पर ज़बर हो इसलिए उस कायदे को मद्दनज़र रखते हुए मैंने इसको पुर अदा किया है तो आप ग़ौर से सुने उसी तरीके पर आप मेरे साथ साथ मश्क भी करें कार सर सरु दाल मद मद सद नाजिर कराम अभी तीन अल्फ़ मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं ये तीनों अलफा में आखिर पर दाल जज़म है यानी वो दाल जिस पर जज़म है इस ताल्लुक़ से हमने ये पढ़ा है इस क्लास की शुरुआत में के कलकला कलकला कहते हैं आवाज़ के टकराकर वापस आने को और वो पांच हरूफ़ में होता है वो पांच हरूफ़ हैंफ तो बा जीम और दाल जिनको इल्म तजवीद में कुतुबु जद्दिन एक जुमले में लिखा गया है तो इनकी अदायगी में मैंने तीनों जगह कलकला की सिफ़त के साथ अदा किया है मैंने मद मद सद ऐसा मैंने पढ़ा है जबकि अगर आप इसको आप पढ़ेंगे मद मद सद तो ये दाल की सिफत नहीं है इस वक्त चूँकि दाल पर साकिन है यानी जजम है तो दाल जब जज़म की हालत में हो तो उसको हम कलकला के साथ अदा करते हैं इसलिए मैंने कलकला की सिफ के साथ इस दाल की आवाज़ निकाली है मद مَد سَد زَال مَز مَز طَز مِيم مِيم لَم لَم عَم سَمَاء काफ काफ क तब क लज लज नाजर कराम अभी आखिरी जो दो लफ्ज हैं लज लज जीम जिस पर जज़म है यानी जीम साकिन। हमने जीम साकिन के तालुक से भी यही पढ़ा है कि ये भी कलकला के पांच हरूफ में से एक हरफ है जब इस पर जज़म आ जाए तो ये कलकले की सिफ्त के साथ अदा होता है यानी इसकी आवाज़ टकराते हुए वापस आती है इसलिए मैंने इसको लज लज मैंने पढ़ा है अगर हम इसको लज लज ऐसा पढ़ते हैं तो ये ग़लत है इसकी सिफ कलकला है यानी आवाज़ टकराकर वापस आती है तो इसलिए हमने इसको लज लज पढ़ा है आगे पढ़ते हैं फाह, फाह अब ये दो अल्फाज ऐसे हैं जिसके आखिर पर हा पहले ही मैंने बताया है कि हा और हा इन दोनों की आवाज़ में फ़र्क है इसलिए मैंने इस हा को उसकी अपनी सफ़त के साथ अदा किया है आप भी कोशिश करें और मेरे साथ, साथ मश करें इन आप भी तलफ़ के साथ हरूफ़ की मुकम्मल सिफ़ात के साथ इन तजवीद के साथ आप पढ़ेंगे फाह फाह साहू। साहू। ये दो अल्फाज भी सा हो आखिर पर ख्वा जिस पर जज़्म है इसको मैंने गोल अदा किया है क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमेशा हर हालत में पुर होने वाले हरूफ साथ हैं जिसमें से एक ये भी है ख़ा। तो इस पर ज़बर भी हो जेर भी हो पेश भी हो या जज़म भी हो चारों हरक़त में से कोई भी हरकत आ जाए इसको हम पुर ही यानी गोल ही अदा करेंगे साख साह यानी गोल से मुराद होंट गोल करके उसकी आवाज़ को गोल अदा करना है जाहदा, बज, यज बीमा तुम फाहुम फ़ होम स मैंने इस आखिरी पांच लाइन की मश की शुरुआत में बता दिया था कि हरूफ एक ही शक्ल में नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ शक्ल में भी लिखने में आते हैं तो उसकी हम मश्क करेंगे तो अभी जो हमने आख़िर पर चार अल्फाज पढ़े हैं उसमें हाँ की जो पहली सूरत है वो कुछ और है और आखिर में तीन अल्फाज में जो हा की सूरत है उसकी जो शकल है वो कुछ और है यानी इन दोनों तरीक़े से हा लिखा जा सकता है तो ये ग़लत नहीं है ये लिखाई की एक तर्ज है जो ग़लत नहीं बल्कि सही है बस ये हम बच्चे को बताना है कि ये इस तरह से भी लिख सकते हैं इसमें कोई ग़लती नहीं है ये सही है और दुरुस्त है आगे पढ़ते हैं या, या, या फी आखिर पर या को भी दो शक्ल में लिखा गया है कि इसको दो तरीक़े से भी लिख सकते हैं यानी दोनों तरीके दुरुस्त हैं ये गलत नहीं है बल्कि एक तर्ज है लिखने का जिसको यहाँ पेश किया गया है ताकि आगे हम कुरान मजीद पढ़ रहे हों तो कहीं हमें ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि या तो हमने सदन कुरान में कुछ और पढ़ा है मगर कुरान मजीद की तिलावत के वक्त ये कुछ और शक्ल में या लिखा गया है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग़लत लिखा हुआ हो तो इस बात को मद्दनज़र रखते हुए इस बात के इजाला के लिए दूर करने के लिए कि हरूफ एक से बल्कि दो तरीके से भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पेश किया गया है उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कल हम कायदा नंबर ग्यारह के तहत तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के मुतलक पढ़ेंगे उसके बाद कायदा नंबर बारह के तहत दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश के अल्फाज की मश्क़ करेंगे और इसी तरह जो आज हम क़ायदा कलकला कल के तल्ल से मालूम हासिल किए हैं कल की क्लास की शुरुआत में बाकायदा उसको दोहरा दोहराएंगे दोहराने के बाद तनवीन और उससे मुत्लक अल्फाज की मश्क करेंगे इनशाल्ल कल की क्लास में मुलाकात होगी अलकुम वरहतल वर्का